जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, देश में नए कानून लागू हो गए हैं, तो पुलिस ऑफिसर्स को जो नए धारा लगाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उनके कॉल आ रहे थे। बाकी आमजन के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो पुराने धारा थे, नए कौन से धारा हो गए, उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा सा चार्ट मैंने तैयार किया है। इसी बोर्ड के अंदर में टोटल आप देख सकते हैं। आप इस बोर्ड का चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। इस बोर्ड में वो तमाम 50 लगभग 50 धाराएं हैं जो कि पुलिस ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर इन 50 धाराओं से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं करता, इसकी मैं गारंटी कर सकता हूँ। पूरे लाइफ के अंदर में इन 50 धाराएं जो कि पहले आईपीसी में थी, यानी कि इंडियन पेनल कोड की थी, अब बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नए कानून में दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं उन सारी धाराओं को समराइज कर करके कैटेगरी वाइज कर दिया है दोस्तों, और अभी आपको फास्टली मैं इन धाराओं को समझा भी दूंगा कौन सी धारा कहाँ पे है, कैसे देख सकते हैं आप, ताकि जो है आपके लिए इस्तेमाल करना काफी इजी हो जाए। और कुछ जो नई धाराएं जो कि लेके आए हैं नए कानून के अंदर में, उसका भी मैंने ब्रीफ में राइट साइड में डिस्क्रिप्शन दिया है दोस्तों। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे सीधे आता हूँ। सबसे पहले चोरी की धारा, चोरी रॉबरी डकैती वगैरह की जो धारा होती है उसको मैंने लिखा है। पहले चोरी के लिए 379 हुआ करता था, उसके बदले अब 303 है, और 380 घर में चोरी की थी और उसके बदले 305 आ चुका है दोस्तों। और ये कहते हैं 392 यानी रॉबरी की धारा, 309 अंडर ब्रैकेट 4, 395 जो कि डकैती की धारा थी, 302 अंडर ब्रैकेट 2, 354 दिन में ताला तोड़ना था घर का, 354 380 में मुकदमे दर्ज होते थे, अब 305 331 तीन में होगा अगर घर में दिन में ताला तोड़ करके चोरी होता है तो, और उसी प्रकार रात में चोरी होता है तो 331 चार लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। ये रॉन्गफुल स्टैंड 341 है, उसके बदले 126, पुलिस 341 323 काफी मुकदमे दर्ज करती है, तो साथ में मैंने क्लब किया 341 का 126 दो, 323 का 115 दो, 324 का 118 एक, 325 का 117 दो, 326 का 326 ग्रीवियस अटैक हो गया, 325 भी ग्रीवियस अटैक हो गया दोस्तों, 118 दो, 326, 307 का 109 हो गया, 308 कल्पेबल होमिसाइड के पहले जो होता है वो धारा है, यानी कि हार्ट, ऐसा हार्ट जिससे कि डेथ होने के चांसेस है, 110 हो गया, 302 का 103 एक हो गया दोस्तों, 304 का 105 हो गया। तो 302 के लिए यहीं पे बात करता हूँ, एक नई धारा मॉब लिंचिंग के लेके आए हैं, वो 103 दो में चली गई है दोस्तों, तो ये ध्यान कर लेंगे। नई धारा है 300 यानी मर्डर की धारा 103 का एक हो गया, और मॉब लिंचिंग की धारा 103 का दो हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, सीधे सीधे आते हैं एक्सीडेंट पे। एक्सीडेंट के मुकदमे काफी होते हैं, पुलिस मुकदमे दर्ज करती है, तो 279 के बदले 281 से दो धारा बढ़ा करके दोस्तों, उसमें जो चोट लगती थी सिंपल चोट लगती थी 337 थी, तो 125 ए अंडर ब्रैकेट ए, और ग्रीवियस हर्ट है 338 है, तो 125 बी। उसी प्रकार 304 ए यानी कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती थी तो 304 ए, और मेडिकल नेग्लिजेंस में भी डेथ होती थी तो 304 ए था दोस्तों, तो 304 ए का 106 वन कर दिया है, इसमें सजा बढ़ा दी है, पहले 3 साल थी 5 साल कर दिया है, मेडिकल नेग्लिजेंस में 2 साल की ही सजा है दोस्तों। तो आगे चलते हैं 406 का यानी कि अमानत बख्यात में 316 दो कर दिया है, 498 ए के साथ भी 406 लगा करती दोस्तों, तो 498 ए का 85 है। अब हम बात करते हैं 406 316 दो, एक 420 का 318 चार, 467 जिसमें कि उम्र कैद की सजा है 338, 468 336 तीन, 471 340 दो, 420 बी जो हम लगाते हैं चीटिंग की धाराओं के साथ में, 120 भी 61 अंडर ब्रैकेट 2, 419 319 दो, और 34 जो लगाते हैं 120 भी नहीं लगा के, कभी कभी हम 34 का इस्तेमाल करते हैं तो 3 अंडर ब्रैकेट 5। तो ये चीटिंग की धारा हो गई दोस्तों, एक्सीडेंट की धारा हो गई, ये चोरी की धारा हो गई, ये आपके हर्ट्स वाले जो धारा हो गई वो हो गई, हार्ट एंड डेथ वाली धारा हो गई। अब हम बात कर सीधे आ जाते हैं जम करके, ये दहेज वाली 498 ए जो आपको शादी में जो क्रुएल्टी वाली धारा लगती थी, 498 का 85 हो गया, और उसी में जब डेथ हो जाती है महिला का दहेज हत्या वाला जो है 304 बी के बदले धारा 80 भारतीय नागरिक सुरक्षा भारतीय न्याय संहिता दोस्तों। अब आगे चलते हैं जी,
रेप वाले जो आपका चैप्टर 5 में सारा ये चाइल्ड वुमेन वगैरह है, तो उसका एक मैंने अलग से वीडियो डाला है, 69 के लिए डाला था वीडियो, तो वो देख लीजिएगा दोस्तों लेक्चर वीडियो। उसमें मैं ब्रीफ में आगे चलता हूँ। 376 वन एंड टू को 64 में कर दिया, 354 का 74, 354 ए 75 बी सी डी इसी प्रकार 75 76 77 और 78 और 509 जो पीछे थी वो 79 में चलिए दोस्तों। उसी प्रकार आप चलते हैं 447 448 यानी ये जमीन जमीन पे कब्जा और जमीन पे कुछ बना हुआ तो उसका कब्जा, 329 3 और 329 4, 188 धारा लगाते थे 144 के उल्लंघन पे तो 223, उसके बदले अगर 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 223 में अगर करेंगे 188 करते थे तो 195 की हमें सेंक्शन सीआरपीसी में चाहिए होती थी, अब 223 अगर करते हैं दोस्तों तो 215 BNSS में सेंक्शन की मिलेगी आपको। अब बात करते हैं 283 के मुकदमे पुलिस देती है तो उसके बदले 285 BNS हो गया है, 511 जो होता है कि अटेम्प्ट ऑफ किसी क्राइम का तो 62 में चली गई है, 306 यानी अबेटमेंट टू सुसाइड 108 चली गई दोस्तों, और 363 यानी किडनैपिंग माइनर का 137 2 और 365 किडनैपिंग मेजर का 140 2 चली गई दोस्तों। अब ये तो धाराएं हो गई जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ 100 जो धारा है दोस्तों वो मैं बाद में लिख दूंगा, 147 148 149 जो राइट वाले मसले में हम लोग दर्ज किया करते थे तो उसके बदले 147 का 191-2 और 148 का 191-3 और 149 का 190 है, और उसी प्रकार 186 जो पुलिस अफसर का काम में बदल देते थे 186 के बदले 221 धारा है दोस्तों, और 353 के बदले 132 है दोस्तों, 353 186 353 का करते थे ना तो 132 BNS है। अब चलते हैं नई धारा की बात करते हैं दोस्तों कि नई कौन कौन सी धारा आई है, तो स्नैचिंग के लिए धारा 304 आ गई है, मॉब लिंचिंग के लिए बताई दिया 103 2, ऑर्गेनाइज क्राइम का 111, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का 112, टेररिस्ट एक्ट का 113, टेररिस्ट एक्ट में यही है कि UAPA में मुकदमा दर्ज करना है या टेररिस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज करना है ये सिर्फ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिसाइड करेंगे। आगे चलते हैं एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नई धारा 152, जो पहले सीडेशन की धारा थी इसको मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि इसको 124 ए IPC को एबोलिश कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, अब राजद्रोह राव गोची ने अब एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेंटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया 152 आ गया है दोस्तों। अबेटमेंट आउटसाइड अब एक नया अबेटमेंट का लिया है कि कोई अगर विदेश में बैठ करके भारत के अंदर में क्राइम को अबेट कर रहा है तो उसके लिए धारा 48 है दोस्तों। उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स धोखा दे करके जो डिसिप्लिनरी मुंस का है जिसको कि नॉट अमाउंटिंग टू रेप का है, एक बड़ा अच्छा सेक्शन दिया है जिसके बारे में अलग से एक मैंने लेक्चर वीडियो डाला हुआ है, धारा 69 है दोस्तों। उसी प्रकार चाइल्ड अगर किसी ऑफेंस में लेकर के यूज कर रहा है तो 95 है, ये आपका जुवेनाइल एक्ट से लेकर के धारा आए हैं दोस्तों, चाइल्ड फॉर द यूजिंग फॉर द ऑफेंस एंड पोर्नोग्राफी एंड अदर काइंड ऑफ, इसमें 95 में भी है दोस्तों कि चाइल्ड ने जो क्राइम किया है उसकी सजा भी उस आदमी को मिलेगी, तो काफी इसमें मेजर पनिशमेंट है। उसके बाद 117-3 और 117-4 लाए हैं, इसमें प्रीवियस हट वाला जो सेक्शन था दोस्तों उसमें कोई अगर परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि मरने के समान है सिर्फ बेड पर क्रिपल्ड है तो उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेकर के आ गए हैं 117-3 और 117-4 में दोस्तों मॉब लिंचिंग वाला के अंदर में जो अगर ग्रीवियस होती है तो 117-4 के अंदर में उसको कवर कर दिया दोस्तों। ये एक धारा 117-3 में ग्रीवियस हट में 117-3 117-4 अलग से क्लॉज बढ़ाया दोस्तों। उसी प्रकार 195-2 राइट में पब्लिक सर्वेंट को अगर चोट लगती है तो 195-2 धारा का इस्तेमाल होगा दोस्तों अगर राइट को रोकने में पुलिस होगा। उसी प्रकार अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को या पब्लिक सर्वेंट किसी को किसी कोई कार्रवाई में जा रहा है वहां पे कोई अटेम्प्ट सुसाइड कर लेता है दोस्तों बंदा तो उस बंदे के खिलाफ 226 लगेगी। इसमें ध्यान देने की बात है कि ये 226 धारा जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है दोस्तों। उसी प्रकार अब दो धाराएं रह गई थी दोस्तों मिसचिप्स में, जो नई धारा लेकर के मिसचिप्स वाले सेक्शन में 324-3 लेके आए, इसमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का अगर कोई नुकसान करता है तो 1 साल की सजा तक का प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसी प्रकार 341-3 और 304 लेके आए हैं, ये काउंटरफिट सील वगैरह जो 467 के अंदर जो कि 338 BNS है उसके अंदर में जो मेंशन काउंटरफिट सील की बात में किया गया है उसके बारे में बात किया है दोस्तों 341-3 और 341-4। तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए, इसको अब यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो लेकर के आपको आऊंगा, तो
ये वीडियो और बाकी मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, लेक्चर वीडियो रमेश सहरियार चैनल पे। मेरे मोबाइल नंबर है मेरा 9871009070। और कोई हो किस पे किसी और मुद्दे पे बनाना हो तो मैं जरूर बताएंगे। ये पुलिस ऑफिसर के लिए और जो नए स्टूडेंट है और जो इंटरव्यू वगैरह की तैयारी कर ले उनके लिए काफी अच्छा वीडियो रहेगा। मैं एक बार हटता हूँ सामने से, आप चाहें तो इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और इसके लिए मैं थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ इसको, ताकि जो है आपका स्क्रीन शॉट लेने में बने। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।